जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे बड़ा ही महत्वपूर्ण एक अध्याय, यूसुफ का बेचा जाना। और ये हमें देखने को मिलता है उत्पत्ति और उसका 37वां अध्याय की 12वीं आयत से लेकर 36वीं आयत तक। करीब करीब ये अध्याय है वो पूरा ही हो जाएगा। आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ निकालिए उत्पत्ति उसका 37वां अध्याय 12वीं आयत से लेकर 36वीं आयत तक। बहुत ही इम्पोर्टेंट बाइबल का एक अध्याय है। इस अध्याय से पहले हम देख रहे थे यूसुफ और उसके भाइयों के बारे में कि क्या कैसा इन भाइयों का आपस में संबंध था और इनके पिता का इनके साथ कैसा बर्ताव था। तो हमने देखा था कि जो यूसुफ है वो अपने पिता का लाडला बेटा था और बाकी भाइयों के साथ इसकी नहीं बनती थी, क्योंकि ये एक तो इसलिए नहीं बनती थी क्योंकि इसका पिता है वो सबसे ज्यादा है, इससे प्यार करता था, इस बात से उसके भाई जलते थे। और इसका पिता है वो इनका ख्याल नहीं रखता था, बाकी का इसी का ज्यादा ख्याल रखता था। और दूसरा, यूसुफ अपने भाइयों की चुगली है वो अपने भाइयों के पास में जा जाकर करता था, इसलिए भी इसके भाई इसको पसंद नहीं करते थे। और तीसरी बात है, यूसुफ ने दो सपने देखे थे और उन सपनों के मुताबिक आने वाले समय में यूसुफ इनके ऊपर राज करने वाला था। तो ये सारी बातें मिलकर है वो यूसुफ के खिलाफ हो गई थी और इसके भाई जो उससे पहले ही नफरत करते थे उनकी नफरत है वो और भी बढ़ती 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 जा रही है और अब इस लेवल पर पहुंच गई है कि वो यूसुफ को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानने लगे हैं। और इनकी उम्र हम देख रहे हैं करीब करीब 17 साल के करीब है। और अब आगे देखते हैं, हम पढ़ रहे हैं यूसुफ का बेचा जाना उत्पत्ति 37वां अध्याय की 12वीं आयत से लेके। उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए शकेम को गए और उस समय भेड़ बकरियां और पशुओं को चराने के लिए अपने घर से काफी दूर दूर तक निकल जाते थे। और आज की तरह नहीं है कि थोड़ी सी दूर गए, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और शाम को वापिस आ गए या दोपहर को वापिस आ गए। उस समय तो हफ्तों हफ्तों महीनों महीनों तक है वो अपने रेवड़ों को और अपने जो झुंड है उनको लेकर वो अपने घर से काफी दूर रहते थे। और ये इसके भाई है, यूसुफ के भाई है, वो भेड़ बकरियों चराने के लिए शकेम देश को चले जाते हैं। तब इजराइल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई शकेम में ही भेड़ बकरियां चरा रहे होंगे, इसलिए जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। और जब काफी समय हो गया उन यूसुफ के भाइयों को भेड़ बकरियां चराते हुए, तो यहाँ पर देखते हैं कि इजराइल, जिसका पुराना नाम याकूब है, वो इसको भेजता है अपने बेटे को यूसुफ को कि जा तू उनके पास जा, अपने भाइयों के पास जा, बहुत दिनों से वे भेड़ चराने के लिए गए हुए हैं। तो यूसुफ ने कहा, जो आज्ञा, और मैं हाजिर हूँ। और उसने कहा, हाँ जी पिताजी बोलो, मैं हाजिर हूँ, क्या करना है? तो इजराइल ने कहा था, जा अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देखकर आ कि वे कुशल से तो है। और यहाँ पर इजराइल अपने बेटे यूसुफ कहता है कि तेरे जो भाई काफी दिनों से स्केम देश में गए हुए हैं, वहां पर जा और भेड़ बकरियों का और तेरे भाइयों का कुशलता का समाचार लेकर आ कि ठीक ठाक तो है, काफी दिन हो गए, कोई फोन फान भी नहीं किया, कोई व्हाट्सअप भी नहीं किया, कोई मैसेज भी नहीं भेजा उन्होंने ना, तो पता लगा क्या? और फिर मेरे पास समाचार ले आ, जल्दी जा और उनका कुशलता का समाचार लेकर वापिस आ जा। अतः उसने उसको हेब्रोन की तराई में विदा कर दिया। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि यूसुफ अपने घर से अपने भाइयों को मिलने के लिए चला जाता है और वह स्केम में आ गया और स्केम के अंदर पहुंच जाता है। स्केम देश का नाम है। स्केम वो स्केम वो नहीं है जिसको कि कहते हैं कि किसी को लूटने वाला, धोखाधड़ी वाला, एक जगह का नाम है। और एक मनुष्य ने उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए देखकर पूछा, तू क्या ढूंढता है? तो काफी देर से इधर से उधर है यूसुफ है, वो ढूंढ रहा है अपने भाइयों को लेकिन उसको मिल नहीं रहे हैं। एक आदमी उसे बहुत देर से देख रहा था और पूछता, भाई तू कितनी देर से क्या ढूंढ रहा है, क्या खो गया तेरा? तो यूसुफ ने कहा, मैं अपने भाइयों को ढूंढता हूँ, कृपया करके मुझे बता दे कि वो भेड़ बकरी को कहाँ चरा रहे हैं। तो यूसुफ ने उस व्यक्ति को बताया, उस अनजान व्यक्ति को, कि मैं अपने भाइयों को ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहे हैं, पता नहीं कौन सी तरफ गए हैं, तुझे पता तो बता दे भाई किधर है। उस मनुष्य ने कहा, वे यहाँ से चले गए हैं और मैंने उनको यह कहते सुना है, आओ हम दोतान को चले। तो वो आदमी बोला, आए तो उड़े थे वे चराने के लिए, लेकिन यहाँ से अब वो दोतान को चले गए हैं, इसलिए यूसुफ अपने भाइयों के पीछे चला
और इस प्रकार देखते हैं कि यूसुफ अपने भाइयों को दोतान में ढूंढने के लिए चला और उन्हें दोतान में पाया, और जैसा उस व्यक्ति ने बताया था अपने भाइयों को दोतान में ही उसने भेड़ बकरियों को चराते हुए काफी दूर से देखा। और जो ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने से पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र कर दिया, और उसके भाइयों ने भी बहुत दूर से देखा कि आने लग रहा है, अकेला आने लग रहा है, तो उन्होंने कहा भी आ गया और दुश्मन आ गया, इसको मारने कोई प्लानिंग बनाते हैं। और वे आपस में कहने लगे देखो ऐसा सपन देखने वाला आ रहा है, और बोले वो दबा गया वो सपन देखने वाला, वो अपना खिलाफ बड़े बड़े सपन देखा था नहीं वो आ गया। तो अलग अलग बातों से उसको चिढ़ाते हुए उसका जिक्र करने लगे, उसको ठट्ठों में उड़ाने लगे, क्योंकि यहाँ पर उसके सब भाई है वो इकट्ठे हैं और बड़ी मात्रा में है, जबकि वो अकेला है और कमजोर भी है शरीर से। तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और दूर से ही उसके बारे में कमेंट्स हैं वो पास करने लगे, इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें। वो बोले यार क्यों इसने सिर के ऊपर चढ़ा रखे हैं, दो हाथ का तो है, सुस्तरा मार के किसी गड्ढा में फेंक दें, और यह कह देंगे कि कोई बनेला पशु आकर उसे खा गया, और कह देंगे कोई शेर सा आया रास्ते में खा गया, हमने मिले को नहीं, बेरा के बहाना बना देंगे। इतना तक वो उसे नफरत करते थे, और फिर हम देखेंगे कि उसके सपनों का क्या होता है। वेरी गुड। तो यहाँ पर कहते हैं कि नहीं रहेगा बांसुरी। वो नहीं कहता मैंने ये सपना देखा, मैंने वो सपना देखा, और इन सपनों का मतलब है यही है कि आने वाले समय में वो हम पे राज करेगा। सड़क किस्सा खत्म करते हैं, जानते हैं मार के ना फेंक दिया गड्ढा में, तो फिर देखेंगे उसके सपना का क्या होगा, क्योंकि जब उसका शरीर नहीं रहेगा, वो ही नहीं रहेगा, तो उसके सपने कैसे काम करेंगे। और यह सुन के रूबेन ने उनको उनके हाथ से बचाने के विचार से कहा, और ये रूबेन है वो बड़ा समझदार व्यक्ति था, इनके अंदर यूसुफ का एक भाई, तो वो चाहता था कि उसको जान से न मारे और उसको सजा तो दें लेकिन मारे ना, इसलिए वो बोला हम उसको प्राण से तो न मारे। फिर रूबेन ने उससे कहा लहू मत बहाओ, उसको जंगल के किसी गड्ढे में डाल दो और उस पर हाथ मत उठाओ, और वह उनको उनके हाथ से छुड़ा कर पिता के पास फिर पहुंचाना चाहता था। वो रूबेन बोला भाई न्यू देख यार अपना भाई है फिर भी, और परमेश्वर से डरने वाले आप आदमी है, अपना पिता है वो कितना मानता था, दादा परदादा परमेश्वर को मानते हुए परमेश्वर के खिलाफ इतना बड़ा अपराध आप कैसे कर सकते हैं। लहू बहाना किसी को मारना तो परमेश्वर की नजर में एक सीरियस किस्म का क्राइम है, इसलिए किसी गड्ढे में डाल देते हैं, अपने आप से उसका जान निकल जाएगा, भूखा प्यास का या उसे कोई जानवर अपने आप ही खा लेगा, अब उसको क्यों डायरेक्ट है वो मारे। और इसलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंगरखा जिसे वह पहने हुए था उतार दिया, और उसके पास जब यूसुफ आया तो उसको चाय पिलाई, न पानी पिलाया, न उसको बिठाया, और आते ही उसका अंगरखा है वो जो उसने बढ़िया क्वालिटी का जो कोट पहन रखा था वो उसका उतार लिया और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वह गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ जलना था, और सारे भाइयों ने मिला के उसके रूबेन की बात मानते हुए एक सूखे गड्ढे में एक सूखे कुएं में उसको प्यार से डाल दिया, और उस कुएं में पानी नहीं था। और 25वीं आयत कहते हैं तब वे रोटी खाने बैठ गए और आंखें उठाकर क्या देखा कि इस्माइलियों का एक दल ऊंटों पर सुगंधित बलसान और गंधरस लाते हुए बिलाद से मिस्र की ओर चला जा रहा है, और उसने देखा कि सब भाई जो वहां पर बैठे हैं, दो तीन हैं जो भी है, उन्होंने जब इस यूसुफ को गड्ढे में डाल दिया तो खाना खाने बैठे तो देखा कि सामने से व्यापारियों का एक झुंड आ रहा है जो कि मिस्र देश को जा रहा है। और तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा अपने भाई को घात करने उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा, तो वो बोले इसमें जो यहूदा है बंदा इसका भाई एक और, वो बोला भाई अपने भाई का खून बहाने में आप पहले आप उसका खून बहाओगे, चाहे खड्डा में छोड़ जाओ तो मरत गए फिर भी हो, इसका पाप तो अपना लगेगा, और आदमी से छिपाएंगे लोगों से छिपाएंगे तो परमेश्वर से तो नहीं छिपाएंगे, इसलिए उसको अपना नुकसान भी पहुंचा देते हैं, लेकिन अपने अपना तो मेन दिक्कत यही नहीं अपन चाहे अपने पास में डरा हो, क्योंकि अपना दुश्मन है, अपनी शिकायत अपने पिता से करता है, इसलिए आओ हम उसे इस्माइलियों के हाथ बेच डालें और वो अपना हाथ उस पर न उठाएं। बोले श्यामी व्यापारी आ रहे जो मिस्र की तरफ जा रहे जो इस्माइली है अपा इन बेच दे इन्हें, तो अपना अपने दो चार पैसे भी आ जाएंगे और अपना दुश्मन भी खत्म हो जाएगा, और अपन इसको मारने का दंड भी नहीं भुगतना पड़ेगा, और इसके जो मारने के अंदर जो दिक्कतें आएंगी इसको छुपाएंगे समाचार को, ये भी छुपाने में हमें दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि यहाँ रहेगा नहीं ये
मिस्र में चला जाएगा, क्योंकि वो हमारा भाई और हमारी ही हड्डी का मांस है, और उसको मारना तो भाई देखो वैसे भी ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा भाई तो है आखिर वो, और हमारी हड्डी और हमारा ही मांस है। और उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली, और सभी भाइयों ने उसकी बात मान ली, मतलब बात तो फिर बिल्कुल ठीक है यार, ये तो बहुत बढ़िया हो गया, अपना दुश्मन भी अपने पास से चला जाएगा और अपने को उसके मारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और उसके अपराध को छुपाना भी नहीं पड़ेगा। और 28वीं आयत कहती है, तब मिदानी व्यापारी उधर से होकर उसके पास पहुंचे, तब यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इस्माइलों के हाथ चांदी के 20 टुकड़े में बेच दिया, और वो यूसुफ को मिस्र ले गए। तो जब उन व्यापारियों और तलीन के पास पहुंचा, तो इन्होंने उन्हें गड्ढे में से निकाला, सुखे गड्ढे में से अपने भाई को, और 20 चांदी के टुकड़ों में अपने भाई को मिस्री इनके हाथों बेच दिया, इस्माइलों के हाथों। और ये इसको यूसुफ को अपने साथ है वो मिस्र देश के अंदर ले जाते हैं, और इस समय यूसुफ की उम्र करीब 17 साल की है। रूबेन ने गड्ढे पर लौट कर क्या देखा कि यूसुफ गड्ढे में नहीं है, इसलिए उसने अपने वस्त्र फाड़े और अपने भाइयों के पास लौट कर कहने लगा, लड़का तो नहीं है, अब मैं किधर जाऊं। तब उन्होंने यूसुफ का अंगरखा लिया और एक बकरे को मार के उसके लहू में डुबो दिया, और उन्होंने उस रंग बिरंगे अंगरखे को अपने पिता के पास भेजकर कहला दिया, यह हमको मिला है, अब तो देखकर पहचान ले कि यह तेरे पुत्र का अंगरखा है ही नहीं। और यहाँ पर हम बताते चले कि यूसुफ जैसे ही इन भाइयों के पास में आया था, तो इन्होंने उसका वो कोट उतार लिया था जो कि बहुत ही बढ़िया महंगा और लाजवाब प्रीमियम क्वालिटी का था। इन भाइयों ने क्या किया कि उस अंगरखे को, उस कोट को किसी बकरे के लहू में डुबोकर है वो अपने पिता के पास पहुंचा दिया, और बोले जी हमने ये जाड़िया में बढ़िया मिला है, और हमने तो ऐसा लगाया भाई ये यूसुफ का है, तो यूसुफ पहचान लेगी उसका है या नहीं। उसने उसको पहचान लिया और कहा यह मेरे पुत्र का अंगरखा है, तो उसके पिता ने तुरंत उस कोट को पहचान लिया और बोला ये तो यूसुफ का ही है, किसी दुष्ट पशु ने उसको खा लिया है, निसंदेह यूसुफ फाड़ डाला गया। और उसका पिताजी बोला भाई लग गया भाई किसी शेरसाड़ ने खा लिया हो तो, और ये कोट है इसलिए इसका झाड़ियों में अटका पड़ा मिला है। तब यूसुफ ने अपने वस्त्र फाड़े और कमर में टाट लपेटा और अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक विलाप करता रहा। और ये बेहद दुखद और तड़पा देने वाला समाचार है, इसको यूसुफ का मृत्यु का समाचार है, इसने सोचा कि किसी जानवर ने उसको फाड़ खा लिया है, इसलिए बहुत दिनों तक इजराइल है जिसका नाम पुराने समय में याकूब था, अपने बेटे के लिए विलाप करता रहा, रोता रहा, तड़पता रहा, और इसने अपने वस्त्र उतार कर टाट पर बैठ गया, टाट पहन लिया, और उसके सब बेटे बेटियों ने उसको शांति देने का प्रयास किया पर उसको शांति नहीं मिली, उन सब बच्चों ने उसको चाहा कि शांति मिले, लेकिन उसके पिताजी को शांति नहीं मिली अपने लाडले बेटे के बगैर, और वह यही कहता रहा, मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास दोलोक में उतर जाऊंगा, ये लेकिन इज़राइल है वो, उसको शांति नहीं मिली, तो कहता रहा नहीं नहीं भाई मैं तो विलाप करता ही रहूंगा और करता ही रहूंगा, और विलाप करते करते मेरा अंत हो जाएगा और अपने बेटे के पास मैं पहुंच जाऊंगा। इस बीच में दानियों ने यूसुफ को मिस्र में ले जाकर पोतीपर नामक फिरौन के एक हाकिम और अंगरखों के प्रधान के हाथ बेच डाला, और इन मिस्रियों ने यूसुफ को ले जाकर आगे अपने पास नहीं रखा, बल्कि एक बंदे को बेच दिया जिसका नाम है पोतीपर नामक फिरौन के एक हाकिम को बेच दिया, जो कि अंगरक्षकों के प्रधान के हाथ है वो बेच डाला है। और फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, यहाँ हमने देखा किस प्रकार से यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को 20 चांदी टुकड़े में अपने भाई को बेच दिया मिस्रियों के हाथे, और मिस्री इसे है मिदानियों के हाथे, और मिदानियों ने इसे मिस्र में जाकर यहाँ पर जो पोती पर है उसको बेच दिया। फिलहाल के लिए इतना ही, परमेश्वर आपको आशीष दे सबको, जय मसीह की, जय हिंद।